हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिपी और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रिपरेशन टिप्स ऑफ आईआईटी जेईई मेंस 2022। जैसे कि हम सबको बताया है कि जेईई मेंस इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, बट इट विल बी आउट वेरी सून। देर इज़ ए वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि हर साल की तरह इस साल भी जेईई मेंस के टू अटेम्प्ट्स होंगे, इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी एंड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। एग्जाम पैटर्न विल बी सेम एज ऑफ 2020। इवन इफ कुछ माइनर चेंजेस होते भी हैं, देन इट शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम क्रैकिंग द एग्जाम। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आर प्रिपरेशन टिप्स। द फर्स्ट वन इज नो द जेईई सिलेबस। जेईई सिलेबस में लुक ह्यूज एंड डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग, लेकिन अगर आप उसी सिलेबस को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लेते हो, देन इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू लर्न ईच टॉपिक इन ए स्ट्रक्चर्ड वे। द नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंड जेईई मेन पेपर पैटर्न। जेईई मेन इज कंडक्टेड फॉर टू पेपर्स। पेपर वन इज फॉर बीई एंड बीटेक कैंडिडेट्स। द पेपर हैज एमसीक्यूज एंड न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस। सेकेंड पेपर इज फॉर बी आर्क एंड बी प्लानिंग कैंडिडेट्स। हर एस्पिरेंट को पता होना चाहिए कि जेईई में कितने पेपर्स होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एंड ऑल दी स्मॉल डिटेल्स अबाउट द एग्जामिनेशन। द नेक्स्ट इज टॉपिक वाइज टाइम मैनेजमेंट। एवरी एस्पिरेंट शुड मेक ए प्रैक्टिकल एंड ए कम्फर्टेबल टाइम टेबल रेदर देन मेकिंग ए फैंसी वन। बहुत बार स्टूडेंट्स दूसरों का देखा देख या दूसरों की सुन के एक फैंसी सा टाइम टेबल बना तो लेते हैं, लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाते। एवरी स्टूडेंट हैज़ डिफरेंट लर्निंग पेस, उनका शेड्यूल अलग अलग होता है, तो उनको अपना टाइम टेबल भी उसी हिसाब से बनाना चाहिए। यू शुड मेक ए टॉपिक स्पेसिफिक टाइम टेबल रेदर देन मेकिंग ए टाइम स्पेसिफिक टाइम टेबल। बहुत बार स्टूडेंट्स सोचते हैं कि उनको 10 घंटे पढ़ना चाहिए या 12 घंटे पढ़ना चाहिए। नो, यू शुड स्टडी टॉपिक वाइज। आपको पता होना चाहिए कि आज मेरे को ये वाला टॉपिक पढ़ना है, ये वाली शीट सोल्व करनी है या ये वाली बुक पढ़नी है, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू कवर योर इंटायर सिलेबस। द नेक्स्ट इज क्रैक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। हर स्टूडेंट को अपना ज़्यादातर टाइम रिजर्व रखना चाहिए फॉर हाई वेटेज कॉन्सेप्ट्स। ऑफकोर्स यू शुड स्टार्ट विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि बेसिक ही क्लियर नहीं होंगे तो आप हायर लेवल वाले कॉन्सेप्ट पे कैसे जाएंगे। इसलिए स्टार्ट विद द सिंपलर टॉपिक्स एंड देन यू कैन ग्रेजुअली मूव टूवर्ड्स द हायर लेवल कॉन्सेप्ट्स। द नेक्स्ट इज थोरो रिविजन बिफोर एग्जामिनेशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एस्पिरेंट टू रिवाइज द इंटायर सिलेबस बिफोर द एग्जामिनेशन। इसीलिए आपको आपके टीचर्स एंड मेंटर्स सजेस्ट करते हैं टू मेक नोट्स वाइल डूइंग योर प्रिपरेशन, सो दैट यू कैन रिवाइज दोज नोट्स बिफोर द एग्जामिनेशन। इससे क्या होगा कि आप अपने एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इन रिकॉलिंग द टॉपिक्स दैट यू हैव लर्नड वाइल डूइंग योर प्रिपरेशन। द नेक्स्ट इज प्रैक्टिस मॉक टेस्ट्स एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स। जैसे ही आपका जेईई सिलेबस एंड रिविजन कम्प्लीट हो जाता है, यू शुड स्टार्ट अटेम्प्टिंग दीज मॉक टेस्ट्स। These papers will help you in evaluating your preparation level. इससे आपको ये जानने में भी मदद होगी कि आपको कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। These papers will also help you in time management during examination, because these papers will give you an exam-like environment. The last one is exam taking strategy. हर student की exam strategy different होती है, and I'll discuss the most important ones with you. जैसे ही आपको पेपर मिलता है, द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज़ डू ए थोरो रिव्यू ऑफ द पेपर, कि उस पेपर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए गए हैं। देन वंस यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग द पेपर, स्टार्ट विद द ईजियर एंड सिंपलर क्वेश्चंस। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है इन अटेम्प्टिंग द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इन द बिगिनिंग। जैसे ही आप सारा पेपर कंप्लीट कर लेते हैं, देन यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस विच यू लेफ्ट इनिशियली। ऑल्सो आपको नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है, बिकॉज यू मे लूज योर स्कोर इन अटेम्प्टिंग टू मेनी क्वेश्चंस इन द गेस वर्क। इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।